हमारा ऋषि कुमार। नहीं नहीं, तुझे ना कुछ खूबसूरत सा नाम देना चाहिए, जैसे कि कुवारी दुल्हन। सच कड़वा लगा? ऐसे आंखें फाड़ के देखने से कुछ नहीं होगा जारा। सच तो यही है ना कि निकाह को इतने दिन हो गए, तेरे साथ प्यार के दो पल बिताने के जगह वो छी छी छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। उसके नियत पे खोट है, ये तुझे नहीं दिखता होगा, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई देता है सब। अरे मर्दों का क्या है, जिंदगी में औरतें जितनी उतनी भली। पहले तो उस ऋषि ने ये घर उसके नाम करवा दिया, और अब उसके साथ डंके के चोट पे जिस्मानी रिश्ता कायम करने की बात करता है। तू बस चुपचाप ऐसे देखती रहेगी तो एक दिन सब कुछ तेरे मुट्ठी से फिसल जाएगा। सारा कुछ कर, तेरी जैसी लड़की इतना सब कुछ कैसे सह सकती है? तेरा और इंदिरा का कोई संबंध नहीं है। तेरा रिश्ता था जब ये घर तेरे नाम था। अरे इंदिरा पहले भी हमारी बेटी थी और आज भी हमारी बेटी है। हमें अपने तरीके से अपनी बेटी का इलाज करने दो। जारा जी, मैं नहीं मानती, और मुझे पूरा यकीन है अपने ऋषि पर, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे रिश्ते पर कोई आंच आए।
सुना था प्यार अंधा होता है, आज देख भी लिया। इतना सब देखकर भी तू कैसे अनदेखा कर सकती है? उस पे इतना भरोसा मत कर जारा। जिस दिन भरोसा टूटेगा ना, तो तुझ पे खुद को संभालने की भी ताकत नहीं बचेगी। मेरे को लगा वो तू भी तो सारी हदें पार करती है। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सारा जी अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो चलो चलो सारा जी ये क्या करिए? सारा जी देखिए, सारा जी क्या करिए? आप छोड़िए ना इनको। देखिए बात को समझिए आप, ऐसा कुछ सारा जी लगता है कि सारा जी प्लीज आप बात सुनिए ना। देखिए सारा जी क्या नहीं नहीं बोल रहा था ना मैं, आप क्या कर रही हैं ये? अरे सारा जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? सारा जी प्लीज, सारा जी क्या कर रही है? ये क्या बदतमीजी है सारा जी? कोई बदतमीजी नहीं, संभालिए अपनी बेटी को। और अभी अभी आपने ये कहा था ना कि आपकी बेटी का ऋषि जी से कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर क्यों क्यों आपकी बेटी मेरे पति के साथ रिश्ता निभाना चाहती है? किसने हाथ दिया? प्यार पाने के लिए मैंने इसे अपनाना मंजूर किया। इंसानियत के नाते मैंने सिर्फ इसकी भलाई चाही, ये कि मेरा ही घर उजाड़ने पर तुली हुई है। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, अगर मेरे और मेरे पति के बीच कोई भी आएगा ना, तो मैं उसे जान से मार दूंगी। और ये करने का जज्बा रखती है जारा ऋषि कुमार। देखिए आप जैसा समझ रही हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि इंसान जो अपनी आंखों से देखे वही सच हो। आप प्लीज समझिए ना, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। ऋषि कुमार, हम आपके लिए और मम्मी के लिए फूल लाए हैं। क्या भी ये मेरी गलतफहमी है? सेठ सजाने की पूरी तैयारियां चल रही है, ये भी आपने ही कहा होगा। Thank you.
सेज तो मेरी भी सचेगी। फैसला सिर्फ आपके हाथ में है। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, ये सही नहीं है, गलत है, चलिए हटिए। समझ नहीं आ रहा आपको? हटिए ना, अरे हटिए ना, गलत है ये। क्यों नहीं हो सकता ऋषि जी? आप तो चाहते ना कि इंदिरा ठीक हो जाए, तो फिर वो क्यों नहीं करते जो डॉक्टर ने कहा करने को? जी, तुम तो बड़े ताव से कह रहे थे श्रीमती जी को ठीक करने के लिए जो जरूरी होगा वो ही मैं करूंगा। तो क्या हुआ, साफ सुन गया? छोड़िए ना मम्मी जी, ये काम इनकी बस का नहीं है। बीवी ने औकात जो दिखा दी इन्हें, बड़े शेर की तरह दहाड़ रहे थे ना हमारे सामने, अब देखिए ना कैसे भीगी बिल्ली की तरह म्याओ करके खड़े हैं वहां पर। गुरुमा, मेरे ख्याल से आप अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करो। जारा का विकराल रूप देख के मेरे को लगता नहीं है कि ऋषि का प्रोग्राम फिट हो पाएगा। चलिए गुरुमा, हम अपना अनुष्ठान शुरू करते हैं। माँ को तैयार करो। मैं कहती थी ना, ऋषि कुमार मेरा प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ सकते। चलते हैं। जी, पासा तो पलट गया यहाँ पर, अब कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। चलिए आप। ये जो प्रोग्राम शुरू कर रखा है उसका क्या करना है भाई? मैं अकेला रह गया, आप क्या करूं मैं? गुरुमा वो डालो, दो तीन बार चार बार डालो, वो डाल रहे हो आप? मैं मम्मी। ओम भीष्माय नमः। जय महाकाली। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको आपके सारे पैसे टाइम पर मिल जाएंगे। बस होने वाला है। नमस्ते नमस्ते। रुको, फोन रखो। कालिकाए नमः। सब कुछ ना गलत हो रहा है मम्मी जी, कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या करेंगे हम? वो गुरु माँ को ऑन करके छोड़ रखा, बार क्या करना उसका? अरे तुम लोग चिंता छोड़ो और ये देखो, टीवी पे पहली बार पंजाबी रैपर सिंगर और फिल्म एक्टर यो यो हनी सिंह परफॉर्म करने जा रहा है। भाई भाई, मैं तो चाहता हूँ कि वो लुधियाना के शहनाज अख्तर जीते। उसकी आवाज प्लेबैक सिंगिंग के लिए परफेक्ट है, तभी तो उसे सुकून भरी आवाज के शहजादे की उपाधि दी गई है। ये ग्रैंड फिनाले देखने में बड़ा मजा आने वाला है। 27 जनवरी रात 7:30 बजे से मिलकर देखेंगे हीरो सारेगामा पा का ग्रैंड फिनाले सिर्फ सीटीवी पर।
ये ले। यहाँ चिंता से हमारा दिमाग फटा जा रहा है और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जी, मेहरबानी करके ना आप बाहर निकल जाइए, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। पहले बताओ बहन, भाई और भाभी, देखोगे कि नहीं हीरो सारे गाम आपा का ग्रैंड फिनाले? देखेंगे भाई साहब, आपके साथ ही देखेंगे। खुश कितने बजे आएगा? 7:30। आ जाओ बाहर बाहर चलो। बाय बाय। दिन याद रखना, मेरे को याद दिला देना, बोल जाओ तो। 27 जन। हाँ बस बहुत बढ़िया। आ जाओ। क्या करूँ मैं इनका? आज देखिए कैसे दौलत की खातिर अपने ही घर के सदस्य की हत्या कर दी। खून सर्द कर देने वाली ये दास्तां, परिवार वालों ने कैसे उस घर के सदस्य को रातों रात गायब कर दिया और फिर मिली अगले दिन उसकी लाश। क्या दिखाते रहते टीवी पे? आ रही है ये, क्या बटन टूटा हुआ है क्या? बंद क्यों नहीं हो रहा है? अरे क्या करें, आप देखने दीजिए ना। लेकिन तब तक परिवार वाले बन चुके थे करोड़ों रुपयों के मालिक। ओ टेररिस्ट, क्या सोच रहे हो तुम दोनों? मत सोचो, प्लीज बता रहा हूँ, भगवान के लिए ऐसा उल्टा सीधा मत सोचो तुम। ओ, इसमें क्या उल्टा सीधा है मुन्ना? मेरी भेजी में ये बात क्यों नहीं जाती कि अगर इंदिरा ठीक हो गई ना तो ये प्रॉपर्टी हमें कभी नहीं मिलेगी। हाँ, अरे दुनिया में तो हजारों पागल मरते हैं, उसमें अगर एक नाम जुड़ गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वही तो, हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। हाँ। जो लोग आपको निठल्ला समझते हैं ना, उनके मुंह पर ताला मारने का ये सबसे आसान तरीका है। क्या? मम्मी जी, अगर ऋषि ने इंदिरा के साथ शारीरिक संबंध बना लिया ना, तो हो सकता है कि इंदिरा ठीक हो जाए, और अगर ऐसा हुआ ना, हमारे सारे सपने ना टूट जाएंगे। हमें कुछ भी करके ऋषि को रोकना होगा। हाँ। और ऐसा कुछ करना होगा जो ना किसी ने सोचा है और ना देखा। नहले पे दहला मारने की तैयारी, ये प्लानिंग चल रही। अब देखना, मैं ऐसी कहानी में ट्विस्ट लाऊंगी ना, ये सब देखते रह जाएंगे। मैं ये सुहाग रात नहीं होने दूंगी। कितना ढीठ है तेरा पति, तेरे कहने के बाद भी वो यही कह रहा है कि वो सुहाग रात तो सिर्फ इंदिरा के साथ ही मनाएगा। मेरा ऋषि मुझे छोड़कर इंदिरा के पास नहीं जा सकता। बहुत देर थी मेरी कुर्बानी, अब बहुत नहीं, आज मेरा दिन है। सेज भी मेरी ही सजेगी और सुहाग रात भी मेरी होगी। देखती हूँ मैं कौन मुझसे मेरा पति छीन कर ले जाता है।